हेलो गाइस, दिस इज़ तरुण कपूर। ये है तरुण कपूर फिटनेस। तो मेरे भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्लूटामाइन के ऊपर। आज मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा ग्लूटामाइन की, कि ग्लूटामाइन की क्या क्या डोसेज हैं, ग्लूटामाइन हमें लेना चाहिए या नहीं। तो बताने से पहले मेरे भाइयों, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जाइए मुझे फॉलो कीजिए। मेरा अकाउंट है तरुण कपूर फिटनेस के नाम से, जाइए। मैं डेली बेसिस पे अपनी फ़ोटो और वीडियो अपलोडेड करता रहता हूँ, जिससे आप मोटिवेट होते रहें। और आपका मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे गोल अचीव नहीं हो रहे। तो गोल अचीव होंगे, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल सा बटन होगा साइड में, और उस बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरा जो चैनल है वो इसलिए ही है मेरे भाइयों, मैं आपके रिजल्ट लाऊंगा और दिलवा के रहूंगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके रिजल्ट आएंगे। तो बात करते हैं पर ग्लूटामाइन की, कि ग्लूटामाइन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें सप्लीमेंट के थ्रू या फूड के थ्रू कैरी करना होता है, लेना होता है। और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो हम बाहर से ना भी ले या सप्लीमेंट के थ्रू ना भी ले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। और ग्लूटामाइन इज़ अ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। ग्लूटामाइन एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तब भी हम क्यों लेते हैं एज अ सप्लीमेंट? क्यों? जब आपके फिटनेस गोल होते हैं, जब आपको रिजल्ट फास्ट सही होता है, तब हमें ऐड करना होता है ग्लूटामाइन। तो बात करते हैं ग्लूटामाइन पहले फूड में, किन किन फूड में ग्लूटामाइन अवेलेबल होता है। आपके एग वाइट हो गए, आपके फिश हो गया, आपकी मीट हो गया, आपके किडनी बीन्स हो गए, राजमा हो गए, स्पिनिच हो गया, पालक हो गया, इनमें ग्लूटामाइन अवेलेबल होता है। तब भी हम एज आ सप्लीमेंट क्यों लेते हैं ग्लूटामाइन? क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पे मैसेजेस आए थे कि सर, जब प्रोटीन में ग्लूटामाइन अवेलेबल होता है, तो क्यों लोग ग्लूटामाइन ऐड करते हैं जिम के बाद? क्यों? क्योंकि गाइस, जब आपके फिटनेस गोल होते हैं, जब आप कोई सा प्रोग्राम फॉलो करते हो और आप चाहते हो कि मुझे रिजल्ट फास्ट चाहिए, तब हम ऐड करते हैं ग्लूटामाइन। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो, हैवी इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो आपकी जो मसल है वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है। तो टूटने के बाद जब आप प्रोटीन पीते हो, तो प्रोटीन के अंदर बीसीए अवेलेबल होता है और ग्लूटामाइन भी अवेलेबल होता है, जहाँ वो जो आपकी मसल जो ब्रेक हुई है उसे वो रिकवर करता है, उसे उन्हें जोड़ता है। तो ग्लूटामाइन जब आपकी मसल ब्रेक होती है, तो उसे रिकवर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं हर एक मसल को। तो जब आप ऐड करते हो ग्लूटामाइन, तो वहाँ पे आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। जहाँ एक मसल को 2 दिन लगेंगे रिकवरी होने में, वहाँ वो 1 दिन में आपकी मसल की रिकवरी कर देगा। इसलिए हम ऐड करते हैं ग्लूटामाइन प्रोटीन में अलग से। कि बहुत लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि जब प्रोटीन में ग्लूटामाइन होता है, तो हम क्यों लोग ऐड करते हैं? क्यों? जब आपको मसल की रिकवरी फास्ट करनी हो तो मेरे भाइयों, और 20 ग्राम तक आप ग्लूटामाइन ले सकते हैं। तो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, तो ग्लूटामाइन आप जिम के दौरान, जब आप इंट्रा वर्कआउट लेते हो, बीसीए जब आप लेते हो, ब्रांच अमीनो एसिड, जिम के दौरान उसमें आप ऐड करो ग्लूटामाइन। क्योंकि बीसीए और ग्लूटामाइन, जो आपकी मसल ब्रेक हो रही है जिम के दौरान, जब आप एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो बीसीए और ग्लूटामाइन जब आप ऐड कर दोगे, तो वहाँ पे जो आपकी मसल ब्रेक हो रही है, वो उन्हें ब्रेक नहीं होने देगा और आपकी मसल की रिकवरी होती रहेगी। और जिम के बाद भी आप ऐड कर सकते हो ग्लूटामाइन। तो
आप जिम के बीच में भी ऐड कर सकते हो ग्लूटामाइन, और जिम के बाद पोस्ट वर्कआउट में जब आप प्रोटीन पियोगे तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो ग्लूटामाइन। और थर्ड, आप बिफोर बेड में भी यूज़ कर सकती हो ग्लूटामाइन। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी बॉडी रिकवर होती है, जो भी आपकी मसल बिल्ड होती है, वो सोते समय ही होती है। जब आप सोते हो तो आपकी मसल की रिकवरी होती है उस दौरान। तो ये 3 टाइम्स जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो 3 टाइम्स आप 3 टाइम्स ले सकते हो ग्लूटामाइन, जिन लोगों को मसल की रिकवरी फास्ट करनी हो। तो मैं बात कर रहा हूँ फास्ट की। और जो ग्लूटामाइन अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग वाइट खा के या चिकन खा के भी आपकी रिकवरी हो सकती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को मसल की रिकवरी फास्ट करनी हो, तो जिन लोगों के फिटनेस गोल होते हैं, जिन लोगों के कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वो लोग ऐड करते हैं ग्लूटामाइन अलग से। तो आज आपको पता चल गया होगा कि ग्लूटामाइन एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तब भी हमें लेना होता है जब हमारे फिटनेस गोल होते हैं और जो आप पे गोल होते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी जल्दी से बन जाए। तो टाइम लगता है मेरे भाइयों थोड़ा सा बॉडी बनने में, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं 3 महीने में ही बॉडी बन जाए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बस आप टाइम नहीं दे पाते, आप ये सोचते हो कि हमारी बॉडी नहीं बन रही है, वहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आप मोटिवेट होते रहो, और मैंने आपके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है लीन मसल मैस का, आप जाइए उस प्रोग्राम को फॉलो कीजिए। और उस प्रोग्राम, ये 8 वीक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है जो मैंने आपके लिए बनाया है, और आप लोगों के हिसाब से बना देख कर ही बनाया है, जाइए उसे फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की। तो बाय गाइज, टेक केयर, लव यू, और सब्सक्राइब कर दो। आप चाहते हो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं और आपको बताता रहूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर भी कर देना, और मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, जिससे मैं आपके लिए वीडियो फोटोज़ लाता रहूं और आपको मोटिवेट करता रहूं। तो बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।